दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नेशनल T20 कप के बारे में जो कि खेला जाएगा खैबर वर्सेस नॉर्थन के बीच। दोस्तों क्या होगी इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी टीम और कौन से वो ट्रंप प्लेयर होंगे दोस्तों जिनका सिलेक्शन काफ़ी ना के बराबर है और वो हमें विन करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताई जाएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लास्ट मैच के यहाँ पे स्कोर बैटिंग स्कोर कार्ड की खैबर की तरफ से, तो देखिए साहिबजादा फरहान ने ओपन करा, उन्होंने 19 रन करा। साहिबजादा फरहान दोस्तों टैलेंटेड प्लेयर है, जो लास्ट सीजन इन्होंने खेला था उसमें काफ़ी शानदार रन इन्होंने बनाए थे। मोहम्मद हैरिस ने ओपन करा, 10 रन इन्होंने करे। कामरान गुनाम दोस्तों नंबर 3 पर आए, 39 रन करे। अदील अमीन ने दोस्तों 24 रन करे। आमिर की बात करें दोस्तों 15 रन करे और मोहम्मद सरवर की बात करें तो 30 रन इन्होंने करे और वहीं खालिद उस्मान की बात करें तो 22 रन इन्होंने करे। वहीं दोस्तों अगर बात करें बॉलिंग स्कोर कार्ड की खैबर की तरफ से, तो इमरान खान ने 4 ओवर में 4 विकेट निकाले। अरशद इकबाल की बात करें दोस्तों 1 विकेट निकाले और वहीं आसिफ अफरीदी की बात करें तो 2 विकेट इन्होंने निकाले। इमरान खान जूनियर की बात करें दोस्तों तो 2 विकेट इन्होंने भी निकाले। वहीं खालिद उस्मान जो कि विकेट लेस गए लेकिन आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देंगे दोस्तों, काफ़ी शानदार प्लेयर है। कामरान गुलाम 2 ओवर डाले, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाए। वहीं दोस्तों अगर नॉर्थन के लास्ट मैच का बैटिंग स्कोर कार्ड देखें तो हसन नवाज ने ओपन करा जिन्होंने 10 रन करे। अली इमरान ओपन करे, 10 रन इन्होंने करे। नासिर नवाज की बात करें दोस्तों 30 नंबर पे आके 39 रन इन्होंने करे। वहीं जीशन मलिक की बात करें तो 29 करे। मुबासिर खान की बात करें दोस्तों 33 रन इन्होंने करे। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं सोहेल तनवीर ने 21 करे। आमिर की बात करें तो 13 करे। मसूद की बात करें तो 4 रन करे और वहीं मेहरान की बात करें तो 16 रन इन्होंने करे। वहीं दोस्तों अगर बात करें बॉलिंग स्कोर का नॉर्थन का लास्ट मैच का, तो सोहेल तनवीर ने 3 विकेट निकाले। वहीं उस्मान की बात करें तो 1 विकेट निकाला। सलमान इरशाद की बात करें दोस्तों 1 विकेट निकाला। मेहरान मुमताज की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला। आमिर की बात करें तो 1 विकेट निकाला। मुबासिर खान 2 ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए। वहीं जीशन मलिक ने 1 ओवर डाला, कोई विकेट नहीं निकाला। दोस्तों वहीं बात करें हमारी फैंटेसी टीम की, तो उससे पहले आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम कृष्णा फैंटेसी है, देख सकते हैं जहाँ पे 7,800 से ज़्यादा हमारी टेलीग्राम फैमिली ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाना, फाइनल टीम आपको यहीं मिलेगी। दोस्तों जो टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, फाइनल टीम आपको यहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल सभी मैचेस को हम यहाँ पे कवर करते हैं और उन सभी मैचेस का अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो आपके सामने, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना दोस्तों। दोस्तों बात करें अगर हमारी फैंटेसी टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भाई नए अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी प्लेयर के स्टेट्स निकालने पड़ते हैं, तो बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई पैसे वगैरह मांगता नहीं हूँ, तो इतना सा सपोर्ट कर दीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों बात करें अगर फैंटेसी टीम की, तो यहाँ से फिलहाल के लिए मोहम्मद हारिस आपके पास है, अच्छे ऑप्शन जो कि आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, तो फिलहाल हमने इनको पिक करा। बैटिंग में जाएंगे दोस्तों यहाँ से नवाज हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, अली इमरान, तीनों आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे दोस्तों चॉइस। यहाँ से दोस्तों नवाज आपके लिए हो सकते हैं, अच्छी पिक हो सकते हैं। अदील अमीन आपके पास हो गए, सर्वर हो गए जो कि आपको नंबर 5 के आसपास खेलते हुए दिख जाएंगे, अजमत हो गए। फिलहाल के लिए दोस्तों बात करें तो मैंने नवाज को रखा है, साहिबजादा फरहान को रखा है और अली इमरान को रखा है। अब दोस्तों आप चाहे तो नवाज को रख सकते हैं, लेकिन इनका जो मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस देखा तो उतना खास नहीं, उतना परफॉर्म नहीं कर पाए कि हम इन्हें अपनी टीम में रखें, तो इसलिए मैंने अभी के लिए दूर रखा है, क्योंकि इनसे बेहतर ऑप्शन काफ़ी है। दोस्तों यहीं से अगर बात करें ऑलराउंडर में, मुबाशिर खान हो गए जो कि आपको नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, प्लस बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे, तगड़े हिटर है दोस्तों, बैटिंग आ गई तो रन बना के दे सकते हैं। जमाल की बात करें दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। वहीं कामरान गुलाम की बात करें तो नंबर 3 पे आपको बैटिंग करेंगे, प्लस 2-1 ओवर आपको बॉलिंग से दे सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर बात करें देखिए ट्रंप प्लेयर के बारे में, तो यहाँ से खालिद उस्मान, इस बंदे का सिलेक्शन ना के बराबर है आप देख लीजिए, लेकिन उनको छोड़ना मत, आपको बैटिंग से भी प्लस बॉलिंग से भी ये आपको पॉइंट दे सकते हैं। और वहीं अफरीदी की बात करें दोस्तों, ओपन में 3 ओवर डालेंगे आपको, चौथा छठा सातवां ओवर आपको डालते हुए दिख जाएंगे, विकेट टेकर बॉलर है, इस चीज़ का ध्यान में रखना दोस्तों। फिलहाल के लिए बात करें तो मैंने जमाल को रखा है, कामरान गुलाम को रखा है दोस्तों, यहाँ से खालिद उस्मान और यहाँ से अफरीदी को रखा है। अब दोस्तों यहाँ से जो मैंने है ना रिस्क लिया है, देखिए अभी के लिए मैंने मुबासिर खान को ड्रॉप कराया अपनी टीम में, लेकिन जब फाइनल कॉल होगी तो वो तब की तब देखी जाएगी कि किसको पिक करना है दोस्तों। अगर यहाँ से पहले बैटिंग करेगी नॉर्थन में तो इनको साथ में ले जाऊँगा, नहीं तो अफरीदी के साथ ही चला जाऊंगा। वहीं दोस्तों बात करें बॉलिंग में, सोहेल तनवीर हो गए, उस्मान खान हो गए, अरशद इकबाल हो गए दोस्तों, यहाँ से देखा जाए सलमान इरशाद दोस्तों, लास्ट जो सीजन था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मुमताज़ हो गए। और वहीं अगर दोस्तों किसी और ट्रंप प्लेयर के बारे, देखिए यहाँ से अगर ट्रंप प्लेयर के बारे में बात करें तो इरफान खान हो गए आपके पास, और ये इरफान खान जूनियर दोस्तों, इरफान खान सीनियर जो है ना,
इरफान खान सीनियर जो है दोस्तों, ये आपको ओपन में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे प्लस डेथ में, और इनका सिलेक्शन आप देख सकते हो दोस्तों 16% है, सिर्फ विकेट टेकर बॉलर है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। वहीं अगर जूनियर की बात करें दोस्तों, ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। आप चाहो तो अगर दोनों पहले बॉलिंग करें इनकी टीम, तो दोनों को ही अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर रख लेना। फिलहाल के लिए मैं इरफान खान सीनियर के साथ जा रहा हूँ, और यहाँ से सोहेल तनवीर और अर्शद इकबाल के दोस्तों। वहीं अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए अगर बात करें तो दुनिया की चॉइस जाए तो जमाल के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो मैं आपको कामरान गुलाम प्रेफर करूँगा, और वहीं खालिद उस्मान प्रेफर करूँगा। गुलाम आपको दोस्तों नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, प्लस 2 ओवर डाल के देंगे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में प्लेयर अच्छे। वहीं दोस्तों खालिद उस्मान इनको कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने बता दिया, बैटिंग आ गई तो हिट लगा सकते हैं और बॉलिंग से आपको विकेट निकाल सकते हैं। लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ज़रूरी नहीं इस मैच में करे नहीं दे, तो गुलाम को मैंने कैप्टन कराया और वाइस कैप्टन खालिद उस्मान को कराया दोस्तों। वही दोस्तों बात करें अभी के लिए हमारा टीम पे रहूँ, तो ये हमारा टीम पे रहूँ। फाइनल टीम दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी आफ्टर टॉस, तो फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का दोस्तों जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों मुझे भी लगेगा आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में।